अभी भी जो है ना कल परसों इस तरह के वाकयात, मुझे बताइए कितने वाकयात रिपोर्ट होते हैं जिनकी आप FIR देते हैं? FIR देने में तो पुलिस को कोई मसला नहीं, असल मसला ये है कि विक्टिम कोई नहीं है, इस वजह से बता दीजिए कि क्या कितने के वाकयात रिपोर्ट होते हैं? अच्छा, जहाँ तक कम क्राइम्स अगेंस्ट द वल्नरेबल का ताल्लुक है, तो जिस तरह मैंने गुफ्तगू के शुरू में बात की है कि अंडर CM साहिबाज काइंड लीडरशिप, शी हैज़ स्टेटेड दैट जो हमारी हैरेसमेंट है, क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन है, क्राइम्स अगेंस्ट द वल्नरेबल कम्युनिटी एंड माइनॉरिटीज़ हैं, क्राइम्स अगेंस्ट जहाँ तक विमेन है, ये हमारी रेड लाइन है, इसको कोई क्रॉस नहीं करेगा। हमारे एक SOP अवेलेबल है क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी में और क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन्स में, जो पुलिस की वर्किंग से वाकफियत रखते हैं उन्हें पता होगा। लेकिन असॉल्ट में, जहाँ बच्चा या बच्ची या खातून इन्वॉल्व है, सॉडमी में, रेप में, डोमेस्टिक वायलेंस में, और एनी अदर फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट, इट कुड बी वर्क रिलेटेड, इट कुड बी डोमेस्टिक और एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस, उसके अंदर पुलिस अपनी SOP नहीं फॉलो करती कि वो सीनियर की कमांड की यस का वेट करेगी तो वो रजिस्टर करेगी FIR। आप अपनी असर्टन करते हो फैक्ट्स, यू गेट द एप्लीकेशन एंड यू इमीडिएटली रजिस्टर द FIR। अभी अराउंड 250 FIR कल की डेट के अंदर हुई हैं, जिसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी शामिल हैं, अलर्जिड रेप के केसेस भी शामिल हैं, असॉल्ट के केसेस भी शामिल हैं, सॉडमी के केसेस भी शामिल हैं। तो यहाँ क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू आस्क द सोसाइटी इज कि पुलिस ने जहाँ कसूर वाले रेप केसेस नहीं छुपाए, जहाँ पर्नोग्राफी रिंग्स जो हैं उनको अनअर्थ किया है, जहाँ मोटरवे रेप केस को नहीं छुपाया गया और उसको नहीं किया, तो वाई वुड पुलिस अपनी यूनिफॉर्म के साथ पुलिस गद्दारी क्यों करेगी और ऐसे रेप केस को छुपाएगी? तो ये एक सवाल है जिसका जवाब जो है वो सोसाइटी को सोचना चाहिए और ये अपने से भी करना चाहिए कि पुलिस हैज़ नो इन्वॉल्वमेंट इन कवरिंग अप एनी क्राइम व्हाटसोएवर व्हेन इट कम्स टू वेमेन, चिल्ड्रन और एनी अदर वल्नरेबल कम्युनिटी। अच्छा मैडम, ये कहेगा कि एक चल रही है कि इतने तलबा जख्मी हो गए हैं और एक कुछ चल रहा था जी एक हलाक भी हो गया, इस तरह की जो है वो खबरें अफवाहें चल रही थी, उस वाले से आप बताइएगा कितने तलबा जख्मी हुए, कितने पुलिस वाले, क्या सूरत हाल है इस वाले से, जख्मियों के वाले से? अच्छा, जहाँ तक हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस जब बन जाती हैं तो उसके अंदर एक बड़ा अजीब सा नैरेटिव सामने आता है और वो नैरेटिव ये होता है कि तुम मेरे खिलाफ हो, रियासत मेरे खिलाफ है, जो आवाज़ उठा रहे उसके खिलाफ है रियासत, और वो रियासत का निशान बन जाता है पुलिस, क्योंकि सामने पुलिस वाला खड़ा होता है। तो जब ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो हमें क्लियर डायरेक्शंस थी फ्रॉम चीफ मिनिस्टर साहिबा, फ्रॉम आर अपर कमांड, के स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस जो है वो चार्ज नहीं करेगी। आप अपना एंटी राइट गेयर ज़रूर पहनेंगे, क्योंकि अगर आपको पत्थर लगा तो आपको नुकसान होगा, आप अपने आप को कम्प्लीटली सेफ गार्ड करेंगे क्योंकि आपके सर फटेंगे और फटे हैं पुलिस वालों के। अच्छा, लेकिन पुलिस ने चार्ज नहीं किया। मल्टीपल फोटोग्राफ्स आ रही हैं सामने, जिसके अंदर फोटोजेस दिखाई जा रही हैं स्टूडेंट्स को जो जख्मी हैं। एक स्टूडेंट है जिन्होंने शीशा तोड़ा है, उनके ऊपर शीशे आके गिरे हैं, वो वीडियो अवेलेबल है। दूसरा स्टूडेंट है जो बाइक से गिरे हैं इस गहमा गहमी में, उनकी फुटेज अवेलेबल है। तीसरी फुटेज अवेलेबल है जहां स्टूडेंट्स खुद पथराव कर रहे हैं और स्कूल के अंदर भी स्टूडेंट्स हैं, बाहर डिफरेंट कैंपसेस के कर रहे हैं, उसकी वजह से जख्मी हुए हैं। चौथी फुटेज के अंदर जहां स्टूडेंट्स को रोका जा रहा है, उसके अंदर आपको कोई यूनिफॉर्म के अंदर बंदा उस तरह से नजर नहीं आता। अपनी प्रोटेक्शन करते हुए अगर उसने रोका है किसी को तो वो उसका बुनियादी हक है, लेकिन उसने स्टूडेंट के ऊपर चार्ज नहीं किया और आपको कहीं भी कोई भी पुलिस ऑफिसर वेपन में नजर नहीं आता। अच्छा मैडम, ये कहेगा कि एक अफवाह जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि जो प्रिंसिपल है उसने टिकटॉक बनाने से मना किया, उसके ऊपर वॉइस और चल रही है, इस वाले से काय का बताएं क्या है? अच्छा, द प्रिंसिपल हैज बीन चार्ज्ड विद मल्टीपल, कहा जा सकता है कि द प्रिंसिपल हैज बीन चार्ज्ड विद डिफरेंट एक्यूजेशंस कि प्रिंसिपल इज कवरिंग अप द एंटायर क्राइम अनफॉर्चुनेटली। उसके अंदर जो वीडियो वो प्ले कर रहे हैं या ऑडियो वो गालिबन प्ले कर रहे हैं, दैट पर्टेन्स टू हर स्कूलिंग और टेलिंग और यू नो सेइंग इन एन अथॉरिटेटिव मैनर टू 3 स्टूडेंट्स हु आर मेकिंग अ टिकटॉक ऑन कैंपस, कि आपको टिकटॉक बनाना ऑन कैंपस अलाउड नहीं है, काइंडली ये ना करें। उसकी आवाज़ को यूज़ किया है एंड इट हैज़ बीन
प्रोपगेटेड कि गालिबन वो छुपाने की कोशिश कर रही है कि रेप नहीं हुआ बच्ची का, अनफॉर्चुनेटली. इससे मैडम मुझे आप बताइएगा कि ये इस तरह की फेक न्यूज़ जाली न्यूज़ को रोकने के लिए पुलिस जो है वो क्या करेगी, अंदा क्या लाए अमल होगा पुलिस का इस हवाले से, क्योंकि पुलिस में भी एक साइबर विंग बना है, तो आप क्या ज़रूरत इस वक्त है इस चीज़ की कि इसमें इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जाए, मज़ीद इसमें नफरी भर्ती की जाए, जिस तरह की ये खबरें सोशल मीडिया पर जाली चलती हैं और कितनी डैमेज करती हैं आपने ये देखा? देखिए, ये जो फिनोमिनन है फेक न्यूज़ का या मिस इन्फॉर्मेशन का या हाफ ट्रूथ्स का, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू